परसों संडे मार्केट में वाका हो गया उसको कंडेम करने के लिए। ये मिल्टन विल्टन का मसला खत्म होना चाहिए। बहुत सालों से हमें बड़ी परेशानियां देखी है, 30 साल से, 2-3 साल से अब मसला ठीक हो गया था। रिसेंटली हमारी अपनी हुकूमत आ गई, अभी शुरू नहीं हुआ तो ये चीज़ें ये टोटल ही नॉट एक्सेप्टेबल टू कश्मीरीज, टूरिज्म पीपल और अवर सोसाइटी। आज एक बड़ी मीटिंग जो है वो श्रीनगर पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्ताक अहमद चाया ने दी और इनके साथ कई लोग थे वो इनके साथ थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कई बातों का जिक्र किया। मेरे साथ चाया साहब सारे लोग थे, होटल से जो वाबस्ता है, कश्ती वाले या बाकी जितने लोग टूरिज्म से वाबस्ता है वो यहाँ पे थे। आपने रिसेंट अटैक की बात की जो श्रीनगर में लाल चौक में हुआ जिसमें करीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, क्या इससे टूरिज्म पे कोई असर पड़ा? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, कहीं एक मीटिंग भी आपने अपने होटल में की। देखिए आज के दिन सारे होटल या टोटल टूरिज्म फ्रेटनिटी इसी सब हम जमा हो गए थे ये जो परसों संडे मार्केट में वाका हो गया उसको कंडेम करने के लिए, और वो सबों ने इन एक आवाज़ में कंडम किया। बहुत सालों से हमने बड़ी परेशानियां देखी हैं, 30 साल से, 2-3 साल से अब मसला ठीक हो गया था। रिसेंटली हमारी अपनी हुकूमत आ गई, अभी शुरू नहीं हुआ तो ये चीज़ें ये टोटल ही नॉट एक्सेप्टेबल टू कश्मीरीज, टूरिज्म पीपल और अवर सोसाइटी। सब जैसे आज यहाँ पे सारे लोग थे, होटल से जो वाबस्ता है, कश्ती वाले या बाकी जितने लोग टूरिज्म से वाबस्ता है वो यहाँ पे थे, अभी तक कोई कैंसिलेशन हुई, टूरिस्टों का आना कम हुआ जब से ये अटैक हुआ? क्योंकि खबरें ऐसी भी गश्त कर रही, बहुत सारी बुकिंगें कैंसिल हो गई, कुछ लोग आना नहीं चाहते, ये कहाँ तक सच है? हकीकत है ना, जब परसों यहाँ वो एक्सीडेंट हो गया वो मीडिया में आ गया, लोगों ने जब सुना, कुदरती बात है सारे जरूरतमंद नहीं है, जो बेचारे कमज़ोर होते हैं तो उनने कहा नहीं हम करें, तो कैंसिलेशन भी हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। इसी वास्ते तो हमने कंडेम भी कर दिया, दिखे वी आर पीसफुल पीपल, वी वॉन्ट पीस ओनली एंड टूरिज्म इज अ पीस। अब किसी को बॉम्बे से आना है, गुजरात से आना है तो वो सुनेगा वहाँ जी वहाँ संडे मार्केट में, तो कुदरती बात है अगर हमें भी किसी जगह तो होगा, हम भी डर जाएंगे। जैसे जब से नई सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तब से हमलों में तेज़ी आई, टारगेट किलिंग में तेज़ी आई, जो हमने लाल चौक में देखा वहाँ पे भी हमला हुआ, आपको क्या लगता है सरकार को क्या स्टेप उठाने चाहिए जिससे थोड़ा नॉर्मल हालात होंगे? जिस तरह पहले भी मॉनिटर कर रहे थे, ये मैं हमारी अपील है LG साहब से भी, होम मिनिस्टर से, यहाँ के सारे गवर्नमेंट से, वो पूरा कर्ब करे, ये मिल्टन विल्टन का मसला खत्म होना चाहिए। आपको लगता है इस सरकार से उम्मीद है ये सरकार वो वैसा काम कर पाएगी जो प्रोमिसेस किए इन्होंने? बहुत ज़रूरी, उनको करना है। आज हमने मिनिस्टर साहब भी इधर थे, उसने सारे पॉइंट्स नोट कर दिए, ही वॉज विद अस, और उसने एश्योरेंस दे दिए ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो भी करते हैं, अब मिल्टन कहीं से आ गया क्या करेंगे वो भी, मगर सारे लगे हैं, हमारी गुजारिश DG साहब से भी है, टूरिज़्म पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सतीश शर्मा से भी आपने बात की जो टूरिज़्म मिनिस्टर रिसेंटली बने हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिलाया, उन्होंने क्या यकीन दहानी दिलाई? नहीं, हमने उनको भी कहा आप भी मैसेज दे दो सारे हिंदुस्तान में कि ऐसा कुछ नहीं है इधर, ये एक एक्सीडेंट हो गया कि शैतान ने कर दिया क्या कर दिया, मगर ओवरऑल ऐसा कोई मसला नहीं है इधर। आपको लगता है कुछ लोग अमन के खिलाफ है, कश्मीर में नहीं चाहते अमन, कश्मीर में नहीं चाहते टूरिज्म बढ़े? नेचुरली ये वो तो होंगे जिन्होंने ये कर दिया, ये तो साफ वही बात है, यही तो होता है ना, किसी से किस तरह डिस्टर्ब करें इनको। मैसेज कुछ देना चाहेंगे आप? यही हमारी मैसेज है सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिस तरह उन्होंने पहले ही कर्ब कर दिया है, अब जो भी दुखा चुका है उसको कर्ब करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया चाया साहब, वक्त वेरी मच बेटे। मुश्ताक अहमद चाया थे हमारे साथ, कश्मीर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन या यूं कहिए कश्मीर के छोटा अंबानी इनको कहते हैं, और आज एक मीटिंग टूरिज्म के हवाले से इन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, हालात नॉर्मल है, हालात नॉर्मल होने भी चाहिए, टूरिस्ट जहाँ जितना ज्यादा आएगा उतना रोजगार भी बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को भी फायदा मिलेगा। ये भी कहना है कि हमने काफी मार झेली है, काफी सितम हमने देखे, मगर अब हम चाहते हैं हालात ठीक हो, पुरमन हालात हो, टूरिस्ट यहाँ पे आए, टूरिज्म और ज्यादा बढ़े, टूरिज्म को फरोग मिले, यहाँ पे लोग जो है वो आए, क्योंकि वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, तभी दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते, यहाँ का रुख करते, जब यहाँ पे अमन होगा, जब माहौल साजगार होगा, तभी टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आएगी। एक पहल हमारी भी है, हम भी पूरी आवाम को, हम भी पूरी दुनिया को कहते हैं कि
कश्मीर में पुरअमन माहौल है, पुरसकून माहौल है, यहाँ पे आइए घूमने के लिए, यहाँ के लोग आपके साथ शाना बश शाना खड़े हैं। अभी गया पार्लियामेंट में, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। इसलिए मेरा मानना है कि अगले 2-4 साल हो गए, मेरी एक पर्सन राय है, मैंने बोला मैं बड़ा उम्मीद परस्त आदमी हूँ, इतना टूरिस्ट होगा कि आप ही नहीं मानोगे। आपको जैसे सियासत जब हम बरसर इख्तदार होते हैं, जब हम पावर में रहते हैं तो हमें मोतिया हो जाता है, आपको समझते ना, हमें वर्कर नहीं दिखता, दोस्त नहीं दिखते हैं। एक दोस्त भी है तो मुझे लोग आशीर्वाद देने आए, मेरे पिताजी के दोस्त जो है उनके साथ, राठौर साहब, सागर साहब, मुबारकपुर साहब, या उनके बच्चे हैं शफीउल्लाह साहब, वो रो पड़े मुझे देख। मेरे बाप कह रहे थे मदनलाल शर्मा मर्द था, शेर था, वो डरते नहीं थे मेरे पिताजी। कोई काम आउट ऑफ वे काम कराना, ब्रेक द रूल्स समटाइम्स, तो वो ऐसे थे। तो मैं उनकी वजह से यहाँ विधायक बना और उमर साहब की वजह से मंत्री बना, और मुझे यकीन है कि मैंने बड़ा शानदार मिनिस्टर बनना है। मैं जो भी महकमा लूंगा मेरा यही मानना है कि कुछ चीजें हमें जिन पे हमने सबकी बातें मैंने सुनी राइट फ्रॉम योर चाय साहब से लेकर सिया साहब से, शिकारा वाले हमारे जान साहब थे अर्बन वाले, फिर अब्राहम साहब की बात सुनी हमने, हाउस बोर्ड प्रेसिडेंट मंजूर साहब की, जावेद साहब की, रव साहब की, द्रमु साहब की, समीर साहब की भी सुनी, सबके मैंने लिखी है, कुछ नोट किए हैं जितनी मैं कर पाया, मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आता। आकिब साहब ने भी बड़ा अच्छा बोला।